तो इसके तहत हम लोगों ने निर्णय लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो और भी हमारे जो संगठन है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, तो हम इनको मिलके मांग पत्र देंगे कि ये सरकार पे दबाव डालें कि सरकार जो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसको पुनः अवलोकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय के में रिट डाले। अगर उससे संभव है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो संसद में विधेयक पारित करे और जो अमेंड करे फिर से, और फिर से कानून जो कुछ कमजोरी थी उसको और अच्छी तरीके से और मजबूत और धारदार बनाए, जैसे कि दलितों पे, पिछड़ों पे जो अत्याचार जो होता है हमारे दलित भाइयों पे, वो अत्याचार जो रुके और जो गुनहगार हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनको कड़ी से कड़ी जो सज़ा मिले। क्योंकि अब जो सर्वोच्च न्यायालय, अभी आपने देखा होगा आज ये हम लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है ये, कि गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट ने किसी अत्याचार के मामले में 15 या 20 लोगों को उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल दे दिया। 20 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और 21 मार्च को उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल के लिए कोई पिटीशन मूव किया था गुजरात हाई कोर्ट में, तो उन्होंने दे दिया। तो क्या है कि अब नाजायज़ फ़ायदा ये इसका गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो है लोग इसका गलत लाभ उठाएंगे और जो दलितों को इसका कोई समुचित लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का, क्योंकि बहुत सारे संगठन, ऐसा नहीं कि एक हम लोग ही, बहुत सारे संगठन, आज ये भी पढ़ने में आया है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक शायद पिटीशन फाइल की है रिवीजन के लिए। सर, पार्टियों का मानना ये है कि जिस समय ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था तो सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल कोई नहीं भेजा और इसका ये है कि सरकार ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। नहीं, हमें लगता है कि सरकार से कहीं पे कमी रह गई, कहीं पे कुछ गलतियां हो गई सरकार से। अब ये हम तो जिम्मेवार, क्योंकि देखिए ये जो ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, शायद इसकी जानकारी हम किसी को भी नहीं थी, जो लोग लड़ते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में थे या जो अफेक्टेड पार्टी थी या गवर्नमेंट के जो हमारे एडवोकेट होते हैं उनको रही होगी। बट ये ओपन फोरम पर कहीं नहीं था कि इस तरह का कोई मामला था। अगर था भी किन्हीं को, तो किन्हीं को ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तरह का जजमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई और जो गलतियां हो गई उसको फिर अब दोहराया नहीं जाए, उसका गलत फ़ायदा लोग उठाए नहीं, तो इसके लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सभी सामाजिक संगठन, आप आज देखिए देश में आज ये सामाजिक संगठन की बात कर रहे हैं और पार्टी की बात कर रहे हैं, सर आज के दौर ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बनना चाहते हैं और अच्छे अच्छे बैनर हैं, अच्छे अच्छे वो लगाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो वो सारे लोग चुप रहते हैं। चुप रहने के पीछे अब मैं क्या बताऊं, उनकी शायद अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जो 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 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी, उनके जो लीडर्स हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं। बाकी जो सामाजिक संगठन को हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है और उसमें वो रोज़ प्रदर्शन है, पूरे भारत में हो रही है। और पॉलिटिकल पार्टी के नेता, MPs, दलित सांसद, विधायक, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, पार्टी से बंधे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो उनकी अपनी मजबूरी ही है। लेकिन सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज के अंदर 20 डॉक्टर और 20 इंजीनियर और 20 वकील होंगे उस समाज में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप डॉक्टर होने के नाते आपने बाबा साहब को पढ़ा और ये पहल कर दी है। नहीं, देखिए बाबा साहब ने तो जो कहा था, बाबा साहब ने एक हमें लगता है कि जो कहते हैं हेल्दी माइंड सेटअप से कहा था, मगर बाबा साहब को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जो दलित समाज में 20 डॉक्टर, 20 वकील और 20 लोग और पैदा हो जाएंगे तो समाज की ये स्थिति हो जाएगी। आज कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी वकील दलित समाज का, आप देखिए, खुल के न सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, न उत्पीड़न के विरोध प्रदर्शन में भाग लेता है, किसी चीज़ में भाग नहीं। एक आध दो आपके जैसे, हमारे जैसे इंजीनियर साहब हैं हमारे साथ, गौतम साहब हैं, इनके जैसे एक आध ही लोग निकलते, 100 में निकलते एक आध लोग निकलते। तो बाबा साहब को ये उम्मीद नहीं थी, बाबा साहब ने तो ये सोचा था कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, इनको हम दिला रहे हैं अधिकार और शायद ये हमारे कारवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और मगर शायद बाबा साहब ने जो है ऐसा नहीं सोचा।